बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाते हैं ईद के लिए स्पेशल बकलावा। सेवइयों की खीर, सेवइयों का ज़रदा, ये तो बहुत बनाए भी हैं और खाए भी हैं, तो आज हम क्यों ना नई डिश बनाएं, बकलावा। बकलावा एक बहुत अच्छी और बड़ी मज़ेदार सी डिश है जो ईद के लिए स्पेशल बनाई जाती है। यह हमने इसमें घी डाल दिया है, देसी घी। तो अब हम इसमें सेवइयाँ डालते हैं, देसी घी, और सेवइयों की भुनाई करते हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली जाती, जितनी कम चीज़ें डाली जाती हैं उतनी अच्छी और टेस्टी डिश बनती है, उतना ही टेस्टी बकलावा बनता है। ड्राई फ्रूट तो आपकी मर्ज़ी है, आपने जितने भी डालने हों। सेवइयों का कलर चेंज हो जाए, सेवइयों की लाइट ब्राउन कलर आ जाए, फिर हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। भुनाई इसकी स्लो फ्लेम पे की जाती है। ये बकलावा एक ऐसी डिश है जो जिसका ईद पे होना बहुत ज़रूरी है। आपको बकलावा की रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब हम इसमें सोयों में डालते हैं 1/3 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालकर इसकी भुनाई करेंगे, कंडेंस मिल्क और सेवइयों की, तो बकलावा तैयार हो जाता है। बकलावा सिर्फ कंडेंस मिल्क और सेवइयों से बकलावा बनने वाला एक बहुत अच्छी सी स्वीट डिश होती है। इसकी भुनाई करते हैं और जब ये खुश्क हो जाएगा कंडेंस मिल्क, तो बकलावा तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको डिश में निकालेंगे और जिस तरह से आपका दिल चाहे बर्फ़ी की तरह काट सकते हैं, जिस शेप में भी चाहे आप काट सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो बन रही है। अब्दुल्ला दफो हो जाए मामा। अब्दुल्ला लाइट के आगे खड़े, अब्दुल्ला की शैडो नजर आ रहा है। मैं लाइट के पीछे खड़ी हूं। तुम यहां तो कैसा बने मम्मी? थोड़े नीचे